नहीं पूरी तरह उजरा हुआ और नहीं पूरी तरह सूखा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने ठीक कहा राम, बड़ा ही विचित्र स्थान है। गौतम ऋषि के श्राप से अभी भी इसलिए जीवित है क्योंकि यहाँ पर एक एक नारी की आत्मा, एक अभागन नारी की आत्मा, एक ने छल किया और दूसरे ने उसका दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव, वो कौन लोग थे जो ऐसा किया? दो महान पुरुष कथा है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गए थे। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने अवसर देखा और उस अवसर को लाभ उठाने को सोचा। देवराज इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए चुपके चुपके अहिल्या की कुटी की ओर बैठ गई। चुपके चुपके अहिल्या की कुटी में प्रवेश कर गई। तभी जब इंद्र देवराज इंद्र अहिल्या के कुटी से बाहर निकल रहे थे, उसी समय गौतम ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। उसी समय जब अपने ही रूप में जब दूसरे को देखा तो महर्षि गौतम ऋषि ने समझ लिया कि ये इंद्र का एक चाल है, तो क्रोध में इंद्र ने उसे श्राप दे दिया और उसे विफल कर दिया। तब अहिल्या बाहर आई, रोती हुई उसकी चरणों में गिर गई, पर क्रोध में गौतम ऋषि ने उसे एक महान पुरुष की रास्ता देख रही है। इसका रास्ता देख रहे गुरुदेव, जो गुरु गिरे हुए को उठा सके। राम, किसी को दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु पति पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके, वो महान पुरुष के पावन चरण छूने से सारा कष्ट दूर हो जाता है।
अपना डेरा यहीं पर डाले, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। महाराज की ओर से आपका धन्यवाद। अगर आपका आपत्ति ना हो तो हम यहीं पर विश्राम करें। नगरी आप ही का है महाराज, आप जहां चाहे विश्राम करें। इसकी क्या आवश्यकता है, एक मुनिवर की सेवा में कोई कमी ना आए पाए। गुरुदेव, लक्ष्मण के मन में नगर देखने की अभिलाषा है। यदि आपका भाग्य हो तो लक्ष्मण जी नगर घुमा लो, आपकी सेवा में कोई कमी न हो जाए। सब कुछ बस लक्ष्मण आपसे कह नहीं था। गुरुदेव, यदि आपका क्या हो तो इसे नगर घुमा लो, आपके संध्या बनना से पहले ही हम आ जाएंगे। राम, तुम नीति का पालन भी करते हो और अपने मुंह से कह ही लेते हो। दोनों भाई जाओ और नगर की दर्शन और मिथिला नगरी को दर्शन करा के पावन कर दो। वाटिका है, वही से तुम खोल ले आओ, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव।